सालों से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस बार चुनाव के बाद होगी बोर्ड परीक्षाएं। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चुनाव के बाद करने का लिया गया है फैसला। विधानसभा चुनाव के चलते विभाग ने लिया है ये निर्णय। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव के बाद बोर्ड परीक्षाएं करने का फैसला लिया गया है। इस बार चुनाव के बाद होगी सभी बोर्ड परीक्षाएं। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चुनाव के बाद किए जाने का फैसला लिया गया। विधानसभा चुनाव के चलते विभाग ने लिया है ये बड़ा फैसला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चुनाव के बाद करने का फैसला लिया गया। विधानसभा चुनाव के चलते विभाग ने लिया है निर्णय। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस झंडा दिवस है आज, जहां फतेहपुर एसपी ने किया है झंडा रोहण। पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड में किया झंडा रोहण, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किया संबोधित। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सभी को पुलिस महानिदेशक का सुनाया गया संदेश, पुलिस झंडा दिवस के दिन। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से फतेहपुर के पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड में किया गया है झंडा रोहण। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया गया है, सभी को पुलिस महानिदेशक का सुनाया गया है संदेश। पुलिस झंडा दिवस पर आज फतेहपुर में हुआ है ये कार्यक्रम, फतेहपुर एसपी ने किया झंडा रोहण। पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड में किया है झंडा रोहण, जहां पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया गया है, सभी को पुलिस महानिदेशक का सुनाया गया है संदेश। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, नाबालिग बच्चों का काम करते वीडियो हुआ है वायरल। मनरेगा काम करने का वीडियो हो रहा है वायरल, बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिम्मेदार, बच्चों के शिक्षा को लेकर किया जा रहा है जागरूक। विकास खंड लोटन का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। नाबालिग बच्चों का काम करते वीडियो वायरल हुआ है, सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। मनरेगा काम करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिम्मेदार, बच्चों के शिक्षा को लेकर किया जा रहा है जागरूक। विकास खंड लोटन का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। नाबालिग बच्चों का काम करते वीडियो वायरल हुआ है सिद्धार्थनगर से, जहां मनरेगा काम करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिम्मेदार। फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, फरुखाबाद में हिस्ट्री शीटर का मकान बिकाऊ के लगे हैं पोस्टर, पड़ोसियों के साथ हिस्ट्री शीटर ने की है मारपीट, पुलिस पर गिरफ्तारी नहीं करने का आरोप लगाया गया है। फरुखाबाद में हिस्ट्री शीटर की दहशत सामने आई है, जहां मकान बिकाऊ है के लगे हैं पोस्टर, जहां पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पड़ोसियों के साथ हिस्ट्री शीटर ने की है मारपीट और पुलिस पर गिरफ्तारी नहीं करने का आरोप भी लगाया गया है। फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं और पड़ोसियों के साथ हिस्ट्री शीटर ने जमकर मारपीट की है और पुलिस गिरफ्तारी नहीं करने का आरोप लगाया गया है। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, शस्त्र प्रदर्शन के सिलसिला में खाकीधारियों को भी चढ़ा शस्त्र प्रदर्शन करने का नशा, शस्त्र प्रदर्शन का फोटो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जिले की पुलिस लाइन में तैनात है ये सिपाही, गौरव भदौरिया की बताई जा रही है ये वायरल फोटो। शस्त्र प्रदर्शन का सिलसिला जिले में लगातार जारी है। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, खाकीदारियों को भी चढ़ा है शस्त्र प्रदर्शन का शौक, जहां शस्त्र प्रदर्शन का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
आपको दिखा रहे हैं, जहां शस्त्र प्रदर्शन का शौक लगा है लोगों को। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, कपिल कुमार विश्वास भी कार्यक्रम में मौजूद है। आप सांसद संजय सिंह भी आईजीपी में मौजूद, आरजेडी सांसद मनोज झा भी है मौजूद। प्रोफेसर रामगोपाल यादव की पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम चल रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां अखिलेश यादव ने पुस्तक का विमोचन किया है। कवि कुमार विश्वास की मौजूदगी में पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव भी कार्यक्रम में मौजूद है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव की पुस्तक का विमोचन, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। कवि कुमार विश्वास भी कार्यक्रम में मौजूद है। आप सांसद संजय सिंह भी आईजीपी में मौजूद, आरजेडी सांसद मनोज झा भी मौजूद है।